आप लोग एमएलए और एमपी के बीच का लड़ाई का कारण से रुक गया ना, कुछ फंड का प्रॉब्लम है। आई टॉक टू द स्टेट गवर्नमेंट आल्सो, आई विल टॉक टू द मिनिस्ट्री, आई विल टेक अप दिस इशू। क्वालिटी ऑफ वर्क इज वेरी पुअर। इस हालत में क्या होके बैठा है अभी भी, ये भी तो नॉट अप टू द सेटिस्फेक्शन। रिक्वेस्ट करता हूँ, ई साहब यहाँ खड़ा है, थोड़ा काम को आप पुश करिए, प्लीज पुश अप द वर्क एंड पुल अप द कॉन्ट्रेक्टर। व्हाई दे आर डिलेइंग? एज पर एग्रीमेंट हमारा ये काम ख़त्म होना था लास्ट जुलाई को, जुलाई महीना 10 तारीख को ख़त्म होना चाहिए था, अभी इट इज़ लेट बाय आई थिंक 4 मंथ। एमएलए और एमपी के बीच का लड़ाई के कारण से रुक गया ना, कुछ फंड का प्रॉब्लम है। वी डोंट नो, फंड है तो वो बोल के तो फंड हुआ, फंड है बोल के तो टेंडर हुआ है, टेंडर हुआ किस लिए? स्टेट का नंबर वन हाईवे है सर, काम तो नंबर वन नहीं लग रहा है, यही तो सबका कहना है। मैं नहीं कह रहा हूँ, सब कह रहे थे, आप भी तो कह रहे हो इस चीज़ को, क्या हालत हो रहा है। आई थिंक नाउ आई विल टॉक टू द स्टेट गवर्नमेंट सर, आपका डीसी साहब भी साथ में परफॉर्म करेगा। आई विल टॉक टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो, आई विल टॉक टू द मिनिस्ट्री, आई विल टेक अप दिस इशू। क्वालिटी ऑफ वर्क इज वेरी पुअर एंड गवर्नमेंट शुड अवेक नाउ। आई हैव स्पोकन टू द चीफ इंजीनियर यस्टरडे कि काम समय पर होना चाहिए, स्टिपुलेटेड टाइम। ये एक वर्किंग सीजन है या कैपिटल में रहने वालों के लिए सोचो, अरुणाचल के सब लोग यहाँ आ रहे हैं, क्या हालत है रास्ता। ये तो सर एक्सटेंडेड कैपिटल जैसा लग रहा है क्योंकि बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। यस, इट इज ऑलमोस्ट एक्सटेंडेड। यहाँ तो क्या नहीं है, लॉ कॉलेज यहाँ, NIT यहाँ, फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट यहाँ, वुमेन कॉलेज यहाँ, हब ऑफ एजुकेशन एंड ETI इंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इज हियर एंड सो मेनी थिंग्स आर लाइकली टू कम। तो ये तो ऑब्वियसली हमने यही कहा है, ये तो ऑलमोस्ट द ट्विन कैपिटल सिटी ऑफ ईटानगर। तो आप लोग ये सड़क को मॉनिटर क्यों नहीं करता है? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आपके साथ में घूम रहा है, DC आपके साथ घूम रहा है, फिर भी मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है, काम रुका हुआ है। आप मैं MP को पूछ रहा हूँ, आई एम नॉट आस्किंग द एजुकेटिव। नो, ये बात सही है, मैं तो आज ही देख रहा हूँ, मैं ई साहब सामने खड़ा है, मैं उनको कह रहा हूँ क्या हो रहा है, काम को थोड़ा स्पीड बढ़वाइए। काम ऐसे हालत में क्या होके बैठा है अभी भी, ये भी तो नॉट अप टू द सेटिस्फेक्शन सर। कारण ये पूछने का क्योंकि चुनाव आने वाला है, जवाब आपको देना पड़ेगा, हिसाब पब्लिक करेगा आप लोगों का। जी, ये बात सही है, खुद मैं तो काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात से सहमत हूँ कि ये रास्ता का काम जल्द हो, क्वालिटी मेंटेन करे। यहाँ के लोगों उम्मीद करते थे, अब ये रास्ता कब कब बनना था, मेरा समय में व्हेन आई वाज दी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसी समय काम बन जाना था, ख़त्म होना था, लेकिन लोग करने नहीं दिया इन द नेम ऑफ व्हाट, कॉम्पेंसेशन। लेकिन पेमा भाई सरकार ने कह दिया कॉम्पेंसेशन होगा तो काम नहीं होगा, कॉम्पेंसेशन के बिना काम होगा। मैं जो पहले क्या कह रहा था वही हो गया, ठीक है चलो कम से कम कहा रास्ता सेंशन हुआ, काम अभी चल रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ई साहब यहाँ खड़ा है, थोड़ा काम को आप पुश करिए, प्लीज़ पुश अप द वर्क एंड पुल अप द कॉन्ट्रेक्टर। व्हाई दे आर डिलेइंग? अच्छा, MP साहब भी बता रहे, तो आप ही थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आपका नॉलेज में तो होगा। yes, कारण yes. क्या है, क्यों डिले हो रहा है? एज पर एग्रीमेंट हमारा ये काम ख़त्म होना था लास्ट जुलाई को, जुलाई महीना 10 तारीख को ख़त्म होना चाहिए था, अभी इट इज़ लेट बाय आई थिंक 4 मंथ्स। तो वो कारण ये है कि जगह जगह में बहुत सारा पहाड़ गिर गया है बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल इन दी एरिया, और प्रोलॉन्ग रेनफॉल हुआ है, नॉर्मल से ज़्यादा हुआ है, इसका वजह से डैमेजेस ज़्यादा हुआ है। उसको स्लाइड क्लियरेंस करने में कुछ वक्त लगा है, देन जो बनाया हुआ स्ट्रक्चर्स भी बहुत सारा डैमेज हुआ है। अब पूरा रोड को देखिए, अभी बारिश की वजह से काफ़ी डैमेज हुआ, बहुत डैमेज हुआ है, तो उसका भी हम लोग अभी तक वो कॉन्ट्रेक्टर को जो फ्लड डैमेज रेस्टोरेशन फंड से लेके नहीं पेमेंट कर पा रहा है, उसका वजह से कॉन्ट्रेक्टर भी थोड़ा सा डिले कर दिया सर। कॉन्ट्रेक्टर डिले कर दिया, आप लोगों का वजह से डिले किया है, हम लोगों को ऐसा पता चल रहा है, क्या सही है क्या सर? नहीं, आप नहीं, लोग ऐसा पैसा फंड रिलीज नहीं कर रहा है? नहीं, फंड का कोई, तो ये रेस्टोरेशन का काम कब होगा सर?
रेस्टोरेशन वो हम लोग ने उसका फ्लड डैमेज रिपोर्ट को गवर्नमेंट को दिया है, गवर्नमेंट अभी उसका ऊपर एक्सरसाइज कर रहा है, एज एंड व्हेन पॉन्ड इज मेड अवेलेबल उसका परमानेंट रेस्टोरेशन कर देगा। कैन वी एक्सपेक्ट बिफोर द नेक्स्ट मॉनसून? That I cannot say because that depends upon. Sir, I am saying about next monsoon. Next monsoon. Just monsoon has completed. Maybe if pond is placed before us.